नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा ओमान में आज कितना केस आया और कितने रिकवर के मामले आए, क्योंकि लगातार जिस तरह केस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद आज नया अपडेट आ रहा है जो कि 18 जुलाई 2020 का है, और काफ़ी ज़्यादा आज भी केस आया क्योंकि लगातार जिस तरह सिलसिला है तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें कितने ओमानी है, कितने नॉन ओमानी है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले बात करें कि आज कितना केस आया। अगर जो आज की बात करें तो मतलब 1000+ डेली केस आ रहा है। रिकॉर्ड मतलब एक के बाद एक दिन ब दिन 1000 से नीचे तो केस ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। वहीं बात करें आज की, अगर जो कितना केस आया उसकी अगर जो बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे 1311 केस आया। ये पिछले 24 घंटे का केस है, न्यू केस है 1311 केस। इसमें आपको बता दूं ओमानी कितने हैं, क्योंकि लगातार ओमानी पीपल इस बीमारी का शिकार दिन ब दिन, वही 80% बीमारी का शिकार ओमानी लोग ही हो रहे हैं। इसमें खारजी लोग तो काफ़ी कम मात्रा में। ओमानी की बात करें तो यहाँ पे 1078 आदमी, आप समझ सकते हैं कितनी भारी तादाद में ओमानी लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जो कि काफ़ी बैड है। क्योंकि लगातार इसी की वजह से ओमान में केस दिन ब दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है। खारजी लोग तो काफ़ी मतलब बराबर कानून का पालन कर रहे हैं, खारजी लोग का उतना केस नहीं आ रहा जितना ओमानी लोग मतलब मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। क्योंकि भारी तादाद में आप 1311 में से अगर जो 1078 आदमी ओमानी हैं तो समझ सकते हैं इसमें कितनी बड़ी लापरवाही ओमानी लोग कर रहे हैं। वही बात करें इसमें नॉन ओमानी कितने थे, नॉन ओमानी की अगर जो बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे 233 आदमी है, 233 आदमी नॉन ओमानी है, जो कि खारजी लोग हो गए जो अपना जॉब करने के लिए ओमान में आए। वही बात करें अब तक ओमान में टोटल केस कितना हो चुका है, उसकी बात करें तो यहाँ पर 65,504 टोटल केस अब तक ओमान में हो चुके हैं। ये 142 दिन का रिकॉर्ड है, अब तक ओमान में 142 दिन इसको काउंट करती हुए हो गया सरकार के द्वारा, जो कि 65,504 आदमी इसके बीमारी का शिकार हुए हैं। वहीं बात करें न्यू रिकवरी की, तो फाइनली न्यू रिकवरी की बात करें तो वहां से तो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि रिकवरी के मामले में लगातार ओमान में काफ़ी बेहतरीन अपडेट निकलते रहे, दिन ब दिन काफ़ी बेहतरीन अपडेट आते रहे। वहीं बात करें न्यू रिकवरी के, तो यहाँ से 1322 आदमी रिकवर हो गए, समझ सकते हैं। आज केस कितना है, 1311 आदमी, और रिकवरी के मामले में यहाँ पे 1322 आदमी, मतलब 11 आदमी ज़्यादा रिकवर हुए जितना आज ओमान में केस आया, जो कि काफ़ी गुड न्यूज है। क्योंकि रिकवरी के मामले में डेली जिस तरह केस आ रहा है उसी हिसाब से रिकवर भी ओमान में हो रहे हैं। टोटल रिकवरी की अगर जो बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे 42,772 आदमी अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं इस बीमारी के, जो इस बीमारी का शिकार थे वो अब तक अपने अस्पताल से बाहर जा चुके हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं बात करें न्यू टेस्ट की, पिछले 24 आवर में कितने आदमियों का चेकअप किया गया उनकी अगर जो बात करें तो ये आपको 3976 आदमी का चेकअप किया गया है पिछले 24 घंटों में। टोटल की बात करें अब तक ओमान में जो 142 दिन इसको काउंट करते हुए हो गया है, इसमें कितने आदमियों का चेकअप किया गया उसकी अगर जो बात करें तो यहाँ पे आपको 2,66,845 आदमी का अब तक ओमान में चेकअप किया गया, जिसमें केस की बात करें तो 65,504 केस अब तक आए हैं। मतलब 2,00,000 समझ लो, 2,00,000 पीपल जिनका टेस्ट हुआ वो नहीं, मतलब बीमारी के हिसाब से थोड़ा डाउन ही रही। वहीं बात करें न्यू इंस्पायर, जो पिछले 24 आवर में आदमी जो इस बीमारी की वजह से मारे गए उनकी बात करें तो 10 आदमी, मतलब 10 आदमी 24 घंटों में एक्सपायर हो गए इस बीमारी की वजह से, जो कि काफ़ी बैड है। टोटल की बात करें तो अब तक ओमान में 308 आदमी का इस बीमारी की वजह से जान जा चुकी है, जो कि काफ़ी बैड है। वहीं बात करें न्यू एडमिट की बात करें तो आपको बता दें 79 है करण एडमिट इन, 574 है करण एडमिट इन ICU की बात करें तो 164 आदमी है, 164 आदमी हैं अब तक। वहीं आपको बता दें कि बहुत सारे लोग मतलब ये बोल रहे हैं इंडिया में कितना केस है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केस हो चुका है। टॉप कंट्री पे इंडिया नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद अगर जो आपको बताएं इंडिया कितने नंबर पे है, तो इंडिया की बात करें तो आपको बता दें 8वें नंबर पे इस समय इंडिया चल रही है बीमारी के मामले में। जो बीमारी चल रही है इंडिया में, आपको बता दें इंडिया 8वें नंबर पे चल रही है। वहाँ पे 26,000 लोग मारे जा चुके हैं इस बीमारी की वजह से इंडिया में, और टोटल केस जो कि आपको बता दें वहाँ पे आपको इंडिया में 10,44,963 केस अब तक वहाँ पे हो चुका है, मतलब मिलियन क्रॉस कर चुका है। और टॉप की बात करें, टॉप कंट्री में सबसे ज़्यादा केस कौन सी कंट्री में आया, तो वो अमेरिका है।
अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद यूके है, फिर मेक्सिको, इटली, मतलब इंडिया देखा जाए तो 8वें नंबर पे आ रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। क्योंकि वहाँ पे भी इंडिया, आपको मालूम होगा, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर जो अभी तक 1 ही मिलियन पहुँचे हैं, तो मतलब काफ़ी बेहतरीन है। क्योंकि काफ़ी मतलब सरकार दिन ब दिन काम करती जा रही है कि किसी तरह इससे बचा जाए। वहीं आपको बता दें कि आप अपना ख्याल जरूर रखें, आप अपना ख्याल सबसे पहले जरूर रखें, और मास्क हो गया, हर एक चीज़, कानून और सुरक्षा का बराबर ध्यान रखें, साफ सफाई का जितना हो सके उतना आदमी से दूर रहेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा, वरना अगला नंबर आपका भी आ सकता है। ये नहीं है कि बस मुझे हो नहीं सकता, सबको ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि कौन ये वायरस लेकर आ जाएगा किसी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि ये वायरस लगातार अभी तो काबू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर एक कंट्री में की बात करें तो हर एक कंट्री में काबू होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा जो कि आपको बता दें, इस समय आपको बता दें कि यहाँ पे इंडिया में रिकवर का मामला तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 6 या 7 लाख के बीच में इंडिया में रिकवर भी हुए हैं, जो कि काफ़ी गुड न्यूज़ है। अगर जो वहाँ पे अभी 26,000+ आदमी मारे गए हैं इस बीमारी की वजह से इंडिया में, और 6 से 7 लाख आदमी रिकवर हुए हैं, जो 10 लाख+ केस आया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।